ये देखो पहाड़ी नारी का दिमाग है ना। पार्टी शार्टी भी है जून में, पार्टी है। जून में अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे एक सांप देखा, लेकिन वो सांप इस लहसुन के, अब बच के जाना ठीक है, अब गोड़ेंगे नहीं उसको, आज नहीं गोड़ना, कोई बात नहीं, अब कल ही। दादी बोले बल जिस दिन तक मम्मी के साथ है खूब बम ला ले वाला है, वही थी बम लाने दिया है, हाँ इन बात पता नहीं मैं ऐसा मंडकाल बाद हम जाए बोला। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी गाँव की सड़क से, अपनी गाँव की नीतलिया की सड़क है, और आज मेरी तैयारी हो रही है घट्टू में जाने की। तो जहाँ हम कल भी गए थे वहीं आज फिर से जाएंगे। तो आज मैं और माँ जा रहे हैं, आज मैं गाय के साथ नहीं आई, तो आज आपको घट्टू में बताएंगे कि हम कौन से खेत में जा रहे और क्या क्या हो रखा है, मतलब हमारे खेत में, वो बताएंगे। और बाकी मौसम की बात करी जाए तो मौसम अच्छा हो रखा है। अभी मेरी वीडियो मेरी माँ बना रही है, तो अब आप लोगों को एक बार तलिया मार्केट अच्छे से बताते और फिर फटाफट से खेत में जाते हैं, क्योंकि मेरी माँ हल्ला कर रही है, बल जल्दी जल्दी चल, नहीं तो मैं वीडियो बंद कर दूंगी, तो फिर खेत का काम भी करना है, तो फटाफट से खेत में चलते हैं। तो अभी मेरी माँ खेत में कुछ काम कर रही है, तो माँ ने बोला तब तक बल तुझे वीडियो बनाना है तो तू जा ले ऊपर व्लॉग बनाने के लिए। तो वहाँ पे ताई जी लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा पहले उनका व्लॉग बना लेती हूँ फिर अपने खेत में आऊँगी, क्योंकि अभी माँ कुछ काम कर रही है, तो माँ ने बोला तब तक तू व्लॉग बना ले, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाना भी एक ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी भी मुझे निभानी पड़ती है। तो अब अपना खेत बाद में बताएंगे, पहले औरों का खेत बताते हैं और लोग बताते हैं कि आज कौन कौन आ रखा है घट्टू में। आप लोग बोलोगे रोज रोज घट्टू का ब्लॉग बना रही, लेकिन क्या करें, कल कोई और लोग थे आज कोई और लोग हैं। तो अब पहले घट्टू में चलते हैं, पहले औरों की वीडियो फिर अपने खेत की वीडियो। तो ताई जी का तरीका देखो, प्लास्टिक की पॉलिथीन में पानी ला रहे और उस पर छेद करके मिर्ची के पेड़ में डाल रहे। वाह, अरे तो पाइप लाते आप, यहाँ तो अच्छा नल बना रखा है आपने, हर एक खेत में पानी जाए, हर एक पेड़ में अच्छा, तो मतलब ये दिमाग भाभी का है, वही तो ये देखो पहाड़ी नारी का दिमाग है ना। पहाड़ी नारी पे गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे हम नहर बनी आप, पाइप की क्या जरूरत है, नहीं नहीं नहर बनी है, नहर से लाओ पानी। तो उन्होंने जो कुछ कुछ पेड़ दूसरे खेत से ला रखे और उसे अलग से लगाया, ये थोड़ा जो मुरझाए से दिख रहे हैं, तो उनमें डाल रहे हो पानी। तो पानी डालने के लिए पॉलीथिन भी ला रखी है और ये डिब्बा भी ला रखा है, और डिब्बे का पानी डाल दिया ठीक है। अच्छा तो मतलब इसको बनाने वाले ऊपर से भाभी है, अब भाभी अच्छा दिमाग वाले, अब दिमाग वालों के पास चलते हैं। तो जो पॉलीथिन का आइडिया था वो भाभी का था, तो भाभी ये दिमाग कहाँ से आया आपके पास, आ जाता है सिचुएशन के हिसाब से है। और डिब्बा तो रहता है आपका हर साल, डिब्बा तो हर साल रहता है आपका, इस बार पॉलीथिन भी आ गई। अच्छा तो पहले भाभी ने डाला अपने खेत में पॉलीथिन और डिब्बे से पानी, और अब ताई जी ले गई, और अब भाभी लहसुन की कुटाई कर रही है। तो लहसुन में घास पात हो रखा है, झाड़ पात अच्छा बहुत ज्यादा हो रखा है, निकालो निकालो से साफ के, फिर भागवत सुनिए आपने, वही तो भागवत सुनने तक जल्दी जल्दी काम निपटाओ, ब्यो बन तो पिछने ची यार, अच्छा पार्टी शार्टी भी है जून में, पार्टी शार्टी है ठीक है, मेरे नाती मुंडन से है 2 तारीख आ रहे हैं, ओ मतलब जून में बहुत पार्टी मिलेगी। तो जून में अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे है ना, सही बात, देवतूल देखने को मिलेंगे। तो ये देखो ऐसे भरी जा रही है पॉलीथिन और डिब्बा, वाह अरे फटाफट भरो छिरा डो जान, अरे बॉडी का भर लो, तो यो ये भर लो, हां बॉडी नि भर लो तबार पर,
कटोरी दे रखी है इससे भरो, एक कप चाय। बॉडी पर तो कुछ दिमाग नहीं है, यही मेरी कटोरी है, एक कप चाय। ये मेरी कप है, ये गरीब है मैं ना, कहां से लाऊं मैं कप। अरे ऐसे स्टैंडर्ड कप कहां मिलते हैं? हां ये तो काम ही तो चलाना है, वही तो इनकी कीमत कोई नहीं दे सकता इन कप की। तो अभी मैंने यहाँ पे एक सांप देखा, लेकिन वो सांप इस लहसुन के अंदर पता नहीं कहाँ चला गया, दिख भी नहीं रहा, क्योंकि उसका रंग बिल्कुल ऐसा ही था जैसे लहसुन के पत्ते हैं, नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ पे देखा मैंने और यहाँ से सीधा अंदर, जैसे कैमरा ऑन कर रही थी सांप बिल्कुल लापता ही हो गया। मैं ढूंढ रही हूँ इसके अंदर सांप, लेकिन वो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अब इधर गया या उसने यहाँ पे छेद कर रखे हैं उसी के अंदर, अपने बिल के अंदर, पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन दिखने में बड़ा डेंजर था। और मैंने देखा जैसे औरों को भी बुला रही थी, वो भाग गया। अरे क्या करें, आपको भी दिखाते आप। तो भाभी उनके खेत में गया वो सांप, और भाभी बोल दिया बोल मैंने लहसुन की गुडाई करनी थी, पर अब तूने बोल दिया कि उसके अंदर सांप चला गया। अरे सही में ऐसा ही है वो सांप, बिल्कुल लहसुन के पत्तों के जैसा, दिख भी नहीं रहा, मैं ढूंढ भी रही हूँ उसे। अब बच के जाना ठीक है, अब गोड़ेंगे नहीं उसको, आज नहीं गोड़ना, कोई बात नहीं, अब कल ही गोड़ना, तब तक वो भाग जाएगा, तब तक दूसरा भी आ जाएगा। उसकी दोस्त आ जाएगी तब तक सांप की। कोई बात नहीं, आज छोड़ देना, आज मिर्ची की गुडाई करो, फिर लहसुन की गुडाई कल करना ठीक है। और तो और क्या क्या लगा रखा है आपने इस खेत में? कुछ ना, मारती मारती बूटा गील होगी। अच्छा गीले हो गए? अरे लोगों को बारिश चाहिए, आप बोल रहे हो मिर्ची गीली हो गई। ये तो बहुत गील होगी रे, और पानी डालो हम तब और बड़े उड़ झाड़ा ले जा। तब बढ़िया उड़ झाड़ा बल्लू दिखे तो पता नहीं कहाँ चला गया वो सांप, मिल ही नहीं रहा। तो चलो छोड़ो अब क्या करते हैं। और मेरी मम्मी वहां से आवाज लगा रही है, बल जल दिया। मैंने बोला मैं अभी सांप को ढूंढ रही हूँ, फिर बाद में आऊंगी, लेकिन सांप नहीं मिल रहा। और सभी के खेतों में ज्यादातर यहाँ पे मिर्ची और लहसुन ही दिखने को मिलेंगे, बाकी अब तो मक्के के पेड़ और भी पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, लेकिन ज्यादातर इस बार मतलब इस साइड मिर्ची की खेती है। तो और पानी की इतनी बड़ी बोतल, अब मुझे भी देना, पहले आप पी लो तब मुझे देना। अच्छा प्याला। तो पानी के लिए भी धन्यवाद, और ये बूम्बर और माल्टे के लिए भी धन्यवाद, ये बूम्बर तो सबसे फेवरेट है। वही तो वही तो उसका तौल भैया खाना बोला। तो मेरी किस्मत अच्छी है, यहाँ के कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है खाने के लिए। तो अब जाने लग गए आप घर? अच्छा तो अभी घास काटो और फिर जाना घर आराम से, और सांप से बच के रहना। यहाँ पे ताई जी भी आ गई है, तो ताई जी नमस्ते। वही फंसा बड़ा खा लिया ताई जी, ये देख नहीं सकते यार। तो क्या ला रहे इस फंजे में? अरे दाल और साबुन सब्जी का चीज जानो। अरे क्या गुदड़ी? आइयो गुदड़ी सो। अच्छा और आप तो कुदाल भी लेके आ रहे हो, कहाँ गए थे आप खेत में? अरे आप जाओ शीशे खेत में फिर। अच्छा पहले सब्जी मंडी? हाँ पहले सब्जी मंडी और अब खेत में। अब खेत में और छाता भी जा रहा है साथ में? तो छाता क्या करना, वही तो तबियत ही नहीं बनता, छाता भी तो जाओ। अच्छा तो ताई जी और दादी बोल रहे जिस दिन तक मम्मी के साथ है खूब बम ला ले वाले। बम ला ले तू खूब। अरे तो सोरा सुन बम ला ना भाई, तब कान गई ता सास दगड़ बम लान। बम ले लिया मेरे सास तो पहली बधे दिया या बम लान था। हां बोल सुन, ये छक्का बम लान है। मैं सुन ना, हां कोई मांगन बढ़ गए। हां तो ता मिल बोलने की ये बम लान ही रहन छक्का, वही थी ना बम लान दिया है। हां ये था बम लान ही दिया। हां इन बते दिया सब बते मेरे सास ना, सब बता ठीक है। जाओ फिर धूप गाय चराने आपके लिए, धूप हो रही है आप जाओ। तो अब मैं अपने खेत में आ गई हूँ, और अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि मिर्ची के खेत में क्या क्या लगा रखा है। तो ये रही हमारे यहाँ की मिर्ची की पेड़ें, इतनी बड़ी हो गई, जब मैंने पहले दिन दिखाई तो उस दिन बहुत छोटी थी, और अब इतनी बड़ी हो गई है। तो मिर्ची की खेती तो अच्छी हो रखी है अभी, और फिर बाद में देखते हैं। और ये रहा बैंगन का पेड़, जिसके पत्ते कीड़ों ने खा दिए, और भिंडी डाला नीचे आ रहा है। अच्छा तो ये वाला बैंगन का पेड़ भी है, और यहाँ पे भिंडी का पेड़ भी हो रखा है, तो कुछ टाइम बाद सब्जियाँ हो जाएंगी खेत में। और बाकी मूली तो नज़र आ ही रही है, मूली तो मैंने बहुत दिखा दी आपको, और कुछ भी लगाओ ये। हाँ टमाटर का पेड़ भी है, आज में सबकी पूरा कुर्ची गए, पता नहीं मैं सब निकालने वाले बाद हम जाए बोला। और यहाँ पे रही हमारे झंगोरे की खेती, तो हमारे यहाँ इतना बड़ा हो गया झंगोरा, बाकी किसी जगह तो अभी बहुत छोटा हो रखा है। अब जल्दी जल्दी जमीन है तो कहीं तो मेरी माँ बोल रही है बल कहीं जगह तो जमा ही नहीं है, और यहाँ पे भी बल आधे खेत में जम रखा है और उधर जमीन ही रखा, तो ऐसी हो रखी है झंगोरे की खेती है।
खड़ी छा। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं और घट्टू से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, फिर घर में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अभी बना रही हूँ व्लॉग। तो अभी शाम को हम गाय के साथ आ रखे और मेरे साथ आ रखे राधा और बंधु। तो मौसम की बात करी जाए शाम को, तो सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो रखा था और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और ये दोनों आ रखे है मेरे साथ और ये मुझे कब से बोल रहे हैं चल बोल घर चल घर चल, है बंधु घर जाना है काम से जड़ लग गया। तो दोनों हीरोइन बन के आ रखी, एक ने भी स्वेटर नहीं ला रखी और मेरे को बोल रहे कब से चल घर, और मैंने तो स्वेटर ला रखी है इसलिए मुझे तो नहीं लग रही ठंड, है बंदू ऊपर देख यार। और राधा भी आ गई है दिल्ली से, है राधा, और राधा खुश हो रखी है, बोल दिल्ली में इतना गर्म हो रहा था और गाँव में इतना ठंड, आ राधा मैं जानू ना। और तो क्या लाए राधा हमारे लिए दिल्ली से, काक्षी हम तो खाए नीचे बैठे दिल्ली में खिया राधा अपने आप खा ली टॉफी, लेकिन कोई बात नहीं राधा के पास होने की मिठाई खा ली थी हमने, है ना राधा, मिठाई तो नहीं ठंडा पिया था हमने। तो राधा मेरी तरफ से बधाई हो, धन्यवाद, ठीक है। अब और भी राती दिल्ली से खुश तो था और मजा आता, और राधा गोरी हो रखी है दिल्ली के आने बाद, बंधु तो दिखा अरे शक्कर दिखो यार बंधु नहीं बोला लड़की कौन काल, अरे बंधु काली थी तो काली बोल, अरे तू तो वैसे ही गोरी है, और मेरा कैमरा और भी अच्छा है उसकी वजह से तुम और गोरे लग रहे हो, ठीक है। तुम्हारा कैमरा तो तारीफ नहीं कर रहा, वही तो हमारे कैमरे की तारीफ। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और बारिश का तो ठीक है लेकिन बिजली नहीं कड़कनी चाहिए, फिर भैंसों को ले जाना पड़ेगा, और तीनों ने छाता नहीं ला रखा, तीनों ठंड से मर रहे। तो अब बंद ब्लॉग का एंड करे, चल ब्लॉग जरा एंड कर रही राधा, जरा बोल दे एंड नहीं कर रहे जरा बोल, चल बंधु बंधु बोल रही है, बोल हम सीख रहे हैं, बोल बंधु सीखना है, चल बोल ब्लॉग एंड कर, चल कह रहे रे चल कह चम चम कह तो कम से कम ना भी नहीं जान दिया। और बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन ये बारिश केवल डराने के लिए आती है, पूरी बारिश आती ही नहीं, घर में जाते ही बंद हो जाती है। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।